हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कल है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बात होने वाली है, जैसा कि सब आप लोगों को पता है। और हम जैसे लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स और जो एनालिस्ट हैं वो अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अनचेंज रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हो सकता है वो एनबीएफसी कंपनीज को हो सकता है और बैंकिंग सेक्टर को हो सकता है, और हमारी मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो भी बढ़ सकती है। और गाइज, जिस तरीके से मैंने अभी एक न्यूज़ में देखा था, मैंने उसके बारे में अभी ज़्यादा सर्च नहीं करा, सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ी थी कि ओपन मार्केट के थ्रू आरबीआई 10,000 करोड़ रुपीज़ मार्केट के अंदर वापस डाल रही है, इन्फ्यूज़ कर रही है। सो गाइज, ये अभी हमारी मार्केट को एक पुश दे सकती है ऊपर की तरफ, जिस तरीके से मैंने एनबीएफसी के चार्ट्स देखे हैं और थोड़े बहुत बैंकिंग सेक्टर के देख रहे हैं, तो लग रहा है कि वो लोग पहले से ही थोड़ी बहुत अपमूव दे चुके हैं। उन्हें लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज आने वाले हैं, तो उस तरीके से उन लोगों ने मार्केट में जो एनबीएफसी कंपनीज थी वो पहले से ही ऊपर जा चुकी थी। अब शायद कल हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत एनबीएफसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वरना और हम हाई लेवल्स बनते हुए आते हुए वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, मार्केट हम देख रहे हैं कि सिर्फ 10-12 रुपये में ही जाके क्लोजिंग दे रही है, 10 रुपये नीचे या 12 रुपये ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है, बिल्कुल साइडवेज चली गई है। जिस तरीके से मैंने आपको अपनी सबसे पहली वीडियो पे बताया था जब मैंने शुरुआत करी थी 3rd of December के लिए, सो गाइस वो रेंज आपको पता चल गई है कि 10,740 से 10,940 के बीच में मार्केट रहने वाली है। और अगर आपको 10,780 के आसपास मिलती है कभी भी मार्केट, तो आप तुरंत कॉल बाय करके चलिए। आपको मैं सलाह दूंगा कि मुझे किसी व्यूअर ने कहा था कि हमने पुट बाय कर रखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंडेक्स की, तो मैं आपको पहले ही सलाह दे देता हूँ, आप पुट से निकल जाइए। आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा तो आप उस पुट से निकल जाइएगा, आपको वेट करना है जब तक वो 10,780 के आसपास नहीं आता। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा 10,730 का रखना पड़ेगा, और आप हाई लेवल्स के साथ कॉल ऑप्शन में बने रहेंगे। और गाइस, ये आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है। बैंक निफ्टी के बारे में तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हम कम कह सकते हैं, पर थोड़ी सी उसमें एक नेगेटिविटी आई जा रही है। बैंक में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी किस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी अगर आपको कभी 26,580 के आसपास मिलता है तो भी आप बैंक निफ्टी की पुट बाय करके ज़रूर चलिएगा, कॉल बाय करके चलिएगा। तो आपको पुट में अभी ट्रेड नहीं करना, आपको सिर्फ अभी कॉल के हिसाब से ट्रेड करना है, और कॉल भी आपको तुरंत नहीं लेनी नहीं है, जब एक सही टाइम आएगा तभी आपको कॉल में जाके इन्वेस्ट करना होगा। सो गाइज, अभी मैं आपके लिए 5 स्टॉक्स लेकर आया हूँ कल के मार्केट के लिए, और जिस तरीके से हमने अपने 5 स्टॉक्स आपको कल बताए थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करा। हमने देखा था मैकडॉनल्ड्स के ऊपर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैसेजेस आए थे, तो मैंने अपनी वीडियो में सबसे पहले आपको बता दिया था, ये आपको मैं 3 से 4 दिन का ट्रेड दे रहा हूँ, और 655 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या 650 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पास अगर आपको मिलता है तो उसे ज़रूर बाय करिएगा। तो आज हमने देखा कि 655 के बहुत करीब आ गया था, 652 का लो मारा था, तो आज मैंने उसकी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 3 ऑप्शन आपको बाय करके चलने हैं एक्सपायरी के लिए दिसंबर की। तो आज मैंने वो मैकडॉनल्ड्स की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करके चल लिया है। सो गाइज, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में उसका लिंक डाल दूंगा, उसे जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। और गाइज, NIITETECH ने भी बहुत बढ़िया हमें रिटर्न आते वक्त दिया, तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने हमें रिटर्न दिया। अब हम बात करते हैं कल के स्टॉक्स के लिए। तो गाइज, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, डिविस लैब, NIITETECH वापस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, हेक्सावेयर, HDFC बैंक सेल करने की सलाह दी जाएगी। हम देख रहे हैं कि 3 दिन से इसमें एक अपमूव आ रही थी, पर जिस तरीके से हमने आज एक गिरावट आते हुए देखी, तो अब हम कह सकते हैं कि 2 दिन तक ये एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, या हमने इसमें एक और फॉल आते हुए देख सकते हैं। ज़्यादा फॉल नहीं आएगी, 19,010 को शायद ही ना तोड़े, तो गाइज इसके साथ आप इसको सेल करके चल सकते हैं 1931-1922 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 1959 का लगा के चलना पड़ेगा HDFC बैंक के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करने की सलाह दी जाएगी 110-114 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 102 का मेंटेन करके बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर चलना पड़ेगा। गाइज, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था येस बैंक के अंदर हमने बाय करने की आपको मैंने सलाह दी थी, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था येस बैंक के अंदर। सो गाइज, अब हमने देखा कि येस बैंक ने आज वापस एक फॉल आनी शुरू हो गई है, तो ये फॉलिंग पैटर्न बनते हुए हमें येस बैंक के अंदर आने वाले टाइम में दिख रहा है। सो गाइज, अब हमें येस बैंक को शॉर्ट या हम येस बैंक के पुट बाय करके चल सकते हैं, पर अभी बाय नहीं करनी है हमें। मैं आपको एक टाइम बताऊंगा, उस टाइम पे आपको बाय करके चलनी है। आप लोगों को मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसमें मेरे साथ बने रहिए। जो भी नए अपडेट्स आएंगे या बीच में मार्केट में अगर मुझे आप लोगों को कुछ बताना होगा बाय या सेल करने के लिए, तो उसमें आप ध्यान से देख के अपने आप ट्रेड ले सकते हैं।
डिविज लैब बाय करने की सलाह दी जाएगी। जिस तरीके से देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में कमजोरी आ रही है, पर जो डिविज लैब है वो नीचे जाता है, मार्केट जब खुलती है उसके बाद एक रिकवरी देता है और रिकवरी बहुत अच्छी देता है, और डिविज लैब ये है जो एक थोड़ा बहुत परफॉर्म हमें करते हुए दिख रहा है मार्केट के अंदर। सो गाइस डिविज लैब में आपको मैं बाय करने की सलाह दूंगा। अगर आपको नीचे के लेवल्स में मिलते हैं तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं, 1504 1513 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 1514.74 का मेंटेन करके रखना है। स्टॉप लॉस मैं आपको बहुत नीचे का बता रहा हूँ क्योंकि ये शुरुआत के वक्त थोड़ा बहुत नीचे चले जाता है और इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का बताया है। NIITETECH वापस आपको बाय करने की ही सलाह दी जाएगी, तो जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उस टारगेट के आसपास ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है और हमारे दोनों टारगेट्स इसमें अचीव हो गए थे। तो जो अब नया टारगेट बनते हुए आ रहा है 1124 1132 का, स्टॉप लॉस आपको 1105 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। HEXAWARE की बात करें तो HEXAWARE में आपको मैं बाय करने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से हमने देखा था आज HEXAWARE के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई थी और ये शॉर्ट कवरिंग जो है ये मुझे लगता है कि अभी भी बरकरार रह सकती है और ये इसमें हम थोड़े बहुत अपर मूव्स या हायर लेवल्स देख सकते हैं। तो 337344 के टारगेट के साथ मेंटेन करके रखिए, स्टॉप लॉस 322 का। सो गाइज निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी की जो रेंज मैं आपको बता चुका हूँ 10,740 और 10,940, वो रेंज बिल्कुल बरकरार है। अगर आपको बाय चांस 10,780 के पास मिलता है तो ज़रूर इसकी कॉल ऑप्शन को बाय करके रखिए। अगर आप दिसंबर की फ्यूचर भी बाय करके चलते हैं तो 10,700 का स्टॉप लॉस लगा के इसको मेंटेन करके रखिएगा। ये आपको दिसंबर के टाइम के आखिरी तक 11,000 के आसपास तो ज़रूर पहुँचा के लेकर जाएगी। और मैंने जिस तरीके से आपको चार्ट्स में बताया था कि 11,000 के ऊपर ये जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है और क्या लेवल्स में है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो नीचे की रेंज है वो मैंने थोड़ी बहुत कम कर दी है। पहले मेरी जो रेंज थी 26,600 थी, अब मैंने 26,540 कर दी है। तो गाइज अगर 26,580 के आसपास अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी तो भी आप बैंक निफ्टी की कॉल को बाय करके चल सकते हैं। और जो तीन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज मैंने आपको दी है उसमें से आप IOC को कल ज़रूर बाय कर सकते हैं और आपके पास अब टाइम आ गया कि आप NMDC को भी बाय करके चल सकते हैं। तो गाइज ये तीन जो मैंने आपको बताए थे वो तीन कॉल ऑप्शंस भी आप जरूर उसे वो वॉच करिएगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न इस दिसंबर एक्सपायरी के अंदर आने वाले टाइम में दे सकती है। गाइज हमें रोज इंट्राडे नहीं करने की ज़रूरत है, हमें एक महीने या 15 दिन के लिए होल्ड करके रख लेंगे उन पर्टिकुलर कॉल ऑप्शंस को जिसकी इन्वेस्टमेंट हमें बहुत कम देनी पड़ेगी पर हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो गाइज इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। कल RBI की पॉलिसी है, अगर अनचेंज आता है तो बैंकिंग सेक्टर और NBFC सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आप दोनों में ट्रेड करने से पहले ज़रूर देखिएगा कि वो लोग 3-4 दिन से लगातार बढ़ तो नहीं रहे, क्योंकि मैंने जब देखा तो 3-4 दिन से लगातार जो पर्टिकुलर बैंक NBFCs हैं वो बढ़ रहे हैं, जो अच्छे NBFCs हैं, और आप शायद उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर में भी मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो कल भी मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में रह सकता है कल, वरना हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा डिप में हमें देखने को मिले और पॉलिसी के बाद शायद हम एक अप मूव आते हुए देखें। तो एक ये रिवर्स भी हो सकता है कि पॉलिसी के बाद लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दे और हम शायद मार्केट को थोड़ा नीचे आते हुए देख सकें। तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में बने रहिएगा और मुझे आप को मैं मैसेज करते रहूँगा कि कैसे हमें मार्केट में स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके रखना है, किस तरीके से हमें मार्केट को मूव करके रखना है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने लोग भी मेरे व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं एक लाइक बटन तो क्लिक ज़रूर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख के उस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सके। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।